लैंगिक असमानता को खत्म करने की जो मुहिम हरियाणा में चल रही है उसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मुहिम की जमकर सराहना की। लैंगिक असमानता खत्म करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में महिला हेड निष्ठा सत्यम ने कहा कि मेवात हरियाणा का ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। इस जिले का साक्षरता और स्वास्थ्य दर काफी कम है, जिसे बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। मेवात में बदलाव से पूरी दुनिया बदल सकती है, यह बात उन्होंने सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के 5 साल पूरे होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए मन में विचार आना जरूरी है। विश्व स्तर पर हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। घर में बदलाव आएगा तो गली में बदलाव आएगा, और गली में बदलाव आएगा तो शहर में बदलाव होगा। शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से दुनिया में बदलाव के रास्ते खुलेंगे। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयोजक जींद जिले के बीबीपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सुनील जागलान हैं, जिनकी इस मुहिम को देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कई बार सराहा। दो बेटियों के पिता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को भी इस वेबिनार में शामिल होना था, लेकिन पीएमओ की मीटिंग के कारण वे नहीं जुड़ सके। उनके स्थान पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का मौका हरियाणा की बेटी अनवी अग्रवाल को मिला, जो चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्र है। इस वेबिनार में जुड़ी इटालियन फिल्म निर्देशक एवं अभिनेत्री बारबरा क्यूपिस्ती ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत में महिलाओं व लड़कियों की सुधर रही स्थिति का श्रेय काफी हद तक सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के अभियान को दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत की छवि बदली है और लड़कियाँ हर फील्ड में आगे आ रही है।